इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में झारखंड की बीजेपी महिला नेता को पार्टी ने किया सस्पेंड। सीमा पात्रा भाजपा की महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य थी। उनके पति महेश्वर पात्रा एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। भाजपा ने आज झारखंड की अपनी एक नेता सीमा पात्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। सीमा पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी घरेलू नौकरानी को घर में बंद कर बेरहमी से प्रताड़ित किया। झारखंड भाजपा प्रमुख दीपक प्रकाश ने सुश्री पात्रा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, जब उनकी घरेलू सहायिका ने उन पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के जन्मदिन पर लहराए गए हथियार, वीडियो वायरल। 26 अगस्त को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का जन्मदिन था। इसी मौके पर कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, तभी नाच गाने के साथ हथियार भी लहराए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के जन्मदिन पार्टी में हथियार लहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पिंकी चौधरी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते 26 अगस्त को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का जन्मदिन था। इसी मौके पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, तभी नाच गाने के साथ हथियार भी लहराए गए। बंद फाटक में भी पार कर रहा था पटरियां, फंसी बाइक ट्रेन ने उड़ा दिए परखच्चे। जानकारी के मुताबिक फाटक बंद होने के बावजूद क्रॉसिंग करने वाले बाइक चालक की पहचान हो गई है। आरोपी बाइक सवार को नोटिस जारी किया जा चुका है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के रामनगर रेलवे फाटक पर ट्रेन के सामने अचानक से एक बाइक आ गई, जिससे तेज गति से आ रही ट्रेन ने कुचल दिया। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जो कि वायरल हो रहा है। ये ट्रेन हटिया से आनंद विहार जा रही थी। वहीं रेलवे जंक्शन के करीब 100 मीटर दूरी पर स्थित शहर के व्यस्तम रेलवे फाटक पर 12873 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जैसे ही आई तो उसकी चपेट में बाइक आ गई, जिसके पर खच्चे उड़ गए। एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। 3 दिन पूर्व यह घटना रामनगर रेलवे फाटक पर घटित हुई थी। यह हादसा 26 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे का है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल रन, 33.5 किलोमीटर के सफर में कुल 27 स्टेशन होंगे। मेट्रो का सफर सारीपुट नगर से मरोल नाका तक है, जिसे 8 कोच की प्रोटोटाइप ट्रेन सिर्फ MIDC की ओर मरोल नाका तक दौड़ेगी। 12 किलोमीटर का पहला फेज दिसंबर 2023 तक, दूसरा फेज यानी पूरा रूट जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 8 कोच वाली प्रोटोटाइप ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन की शुरुआत की। अभी सिर्फ 33.5 किलोमीटर का ट्रायल रन होगा, जिसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। उनमें से सिर्फ एक जमीन के ऊपर होगा, बाकी सभी स्टेशन जमीन के अंदर होंगे। यह लाइन दक्षिण मुंबई के कोलाब को महानगर के पश्चिमी उपनगरों से जोड़ेगी। एक अनुमान है कि इसमें हर रोज 17 लाख लोग यात्रा करेंगे। इस ट्रेन का कुछ परीक्षण आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी में भी किया गया था।